हमारे सब्सक्राइबर भी मिले हैं हमें। कहाँ के हो तुम सब? काज वाला गए हैं? काज वाला गए हो? वीडियो देखते हो हमारी? बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो नमस्ते जय श्री राम। तो क्या हाल चाल आप सभी का? आई होप कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइज बड़े दिनों बाद फिर से एक नए व्लॉग के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो गाइज आज हम जाने वाले बहुत ही खूबसूरत सुंदर सी जगह पे, आप सभी को भी वो जगह दिखाएंगे क्योंकि आज है हमारा काचोला का पूरा बाजार बंद क्योंकि बारिश की कामना के लिए सारे लोग जा रहे हैं माता रानी के दरबार में। तो आज हम भी वहाँ जाएंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे, आप सभी को भी करवाएंगे क्योंकि धूप पड़ रही है बहुत भयंकर, बारिश नहीं हो रही, किसान सारे परेशान है, सब लोग परेशान है क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी मजा नहीं आएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, किसी को भी मजा नहीं आना, इसीलिए सारे गांव वाले आज बाजार बंद है और आज हम जाएंगे माता जी के यहाँ पे। वहाँ पे लगेगा माँ जगदम्बा के भोग, माता से कामना करेंगे इच्छा पूर्ण की कि हे जगदम्बा जल्दी से जल्दी बारिश करवा ताकि सबको राहत मिले। देखिए आप किस प्रकार से पूरा बाजार एकदम सुनसान है क्योंकि आज माता जी के यहाँ ब्रह्मभोज का आयोजन है, दुकानें बंद है, देखिए पूरा बाजार सुनसान है। भाई जब हम जा रहे हैं माता जी के यहाँ पे माता रानी के दरबार में, पहले दोस्त को ले आता हूँ फिर वहाँ पे ऊपर चलते हैं। और ऊपर आज पूरा गांव इकट्ठा हुआ है माता रानी के यहाँ पे भोग का कार्यक्रम है बारिश की मनोकामना के लिए। अब हम चढ़ाई कर रहे हैं माता जी के दरबार में और ये हमारा घोड़ा है बुलुट, बुलुट की सवारी का बड़ा ही आनंद है। ये देखिए आप पहाड़ डुक डुक की आवाज आ रही होगी आपको बुलुट की, और ये यहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य है। आज बड़ा ही आनंद वाला दिन है क्योंकि आज पूरा बाजार ऊपर है। ये देखिए आप कितना अच्छा दृश्य है यहाँ पे काचोला का, यहाँ से ये नीचे की ओर और वो सामने। हम पहुंच चुके हैं माता रानी के दरबार में और यहीं पे कुंज बिहारी श्याम का भी बहुत सुंदर सा मंदिर है। देखो ऊपर आते पहले सबसे पहले हमें हेलो बोलो। हेलो गाइस। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं माता रानी के दरबार में और यहाँ पे पूरा जो काचोला ग्राम है अभी आपको दिखाते हैं, सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं बारिश की कामना हेतु। क्या आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी बहुत सारे और नीचे हैं वो भी आ रहे हैं ऊपर, अभी दर्शन करिए माता रानी के। जय हो जगदम्बा भवन महारानी आपकी, हे मैया सबकी झोलिया फरमा, जय माता रानी, जय हो जगदम्बा, जय हो श्री बावन महारानी, जय हो। यहाँ पे ये यज्ञ का आयोजन था, सुंदर सा बावन महारानी का मंदिर, आप सब भी यहाँ पे दर्शन करिए। और बहुत सारे लोग अभी भी आ रहे हैं और कुछ ही क्षण में यहाँ पे बहुत सारे ग्रामवासी पधारेंगे जो माता रानी से बारिश की कामना हेतु प्रार्थना करेंगे। हमें कुछ इस तरह से दिखता है हमारे ग्राम का नज़ारा, ये आप देखिए कितना प्यारा और सुंदर सा दिख रहा है काचोला ग्राम। ये पूरा जो काचोला आप देख पा रहे हैं वो सामने तालाब है। गर्मी सच में बहुत भयंकर पड़ रही है इसलिए माता रानी के दरबार में यही कामना लेके आए हैं कि हे माँ इतनी ज़बरदस्त बारिश हो कि सब खुश हो जाए क्योंकि सच में बहुत भयंकर गर्मी है और फसलें एकदम से बर्बाद सी हो गई है, इसीलिए आज यहाँ पे आए हैं। और ये आप देखिए यहाँ से कितना सुंदर और प्यारा व्यू है काचोला का, ये देखिए आप कितना प्यारा लगता है ये और बहुत ही मनमोहक दृश्य है। ऐसा लगता है जैसे आप कुल्लू मनाली शिमला या फिर कहीं ऐसे हेरिटेज पैलेस के ऊपर हो जहाँ से ये गांव इतना प्यारा और इतना सुंदर दिखता है, बहुत ही प्यारा है ये यहाँ से दृश्य काचोला का, जो बहुत ही प्यारा नज़ारा। और वहाँ पे देखिए आप कितनी अच्छी ग्रीनरी है और ये इधर प्रताप सागर तालाब। हमारे शुभम भैया भी आए हैं, आप क्या बोला आपने माता रानी को? माता रानी को बहुत कुछ बोला है। हाँ गांव के लिए क्या बोला? गांव के लिए कहा बारिश जल्दी जल्दी हो क्योंकि बारिश की बहुत अत्यंत आवश्यक है फसलों को और पशु पक्षियों के लिए भी बहुत आवश्यक है क्योंकि बारिश होगी तभी पूरा साल अच्छा निकलेगा, जमाना होगा। सही बात, और जमाना होगा तभी आगे का जमाना पर डिपेंड करती है, इसलिए माता जी विनम्र निवेदन है पूरे गांव की तरफ से कि जल्द शीघ्र बारिश हो, तेज बारिश हो, बिल्कुल बिल्कुल इस साल भी खूब अच्छी फसलें हों। के पास ही एक बहुत ही सुंदर सा माता रानी का विग्रह बना हुआ है, जय हो जगदम्बा आपकी। और अब चलेंगे कुंज बिहारी श्याम के दर्शन करने के लिए माता जी के मंदिर के जस्ट ऊपर कुंज बिहारी,
ठाकुर जी महाराज विराजमान है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, इसका व्लॉग मैंने पहले भी बनाया था और बहुत ही सुंदर और अद्भुत मंदिर है ये भी, जो बाकी बिहारी के नाम से प्रसिद्ध है, कुंज बिहारी के नाम से। और अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं, गर्मी सच में बहुत भयंकर है। कुंज बिहारी का जो परिक्रमा मार्ग है, यहाँ से होते हुए मंदिर के अंदर हम जाएंगे। ये वही नीम का पेड़ जो पिछली वीडियो में था। मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं, कुंज बिहारी के मंदिर के अंदर। ये काछोला के सारे ग्रामवासी यहाँ पे उपस्थित है। और ये कुंज बिहारी श्याम का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जय हो ठाकुर जी महाराज आपकी, बोले कुंज बिहारी श्याम की जय। कुंज बिहारी मंदिर के ऊपर जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो निर्माण कार्य चल रहा है, वो पीछे आपको दिख रहा है, यहाँ पे सीढ़ियाँ बन रही है। मतलब अब आने के लिए और भी सुलभ हो जाएगा, क्योंकि पहले थोड़ा संघर्ष करके ऊपर आना पड़ता था, और अब ये जो सीढ़ियों का निर्माण हो रहा है, ये बहुत ही सुंदर सीढ़ियाँ बनेगी और अब आप आराम से आ सकते हो यहाँ पे कुंज बिहारी के, यहाँ पे जो काछोला ग्राम के अंदर स्थित है, बावन महारानी के मंदिर के जस्ट ऊपर मंदिर बना हुआ है कुंज बिहारी श्याम का। जहाँ सच में ऐसा लगता है जैसे किसी हेरिटेज विलेज में आप आए हो। कि यहाँ पे काम चल रहा है सीढ़ियों का, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनेगी और ये कार्य प्रकृति के ऊपर है। ये जो सामने जो सीढ़ियाँ बनेगी, डायरेक्ट आप ऊपर आ सकते हो। ये सामने देखिए कितना अच्छा व्यू है, एकदम ग्रीनरी, एकदम प्यारा सा। और वो जो सामने आपको दिख रहा है वो बांध है, कुंडिया बांध के नाम से प्रसिद्ध है वो सामने जो बांध दिख रहा है। और ये एकदम सुंदर और शानदार नजारा है यहाँ का। अरे काछोला के जाने माने श्री कालू जी आचार्य, आज माता रानी के यहाँ पे किस उपलक्ष में आए हो आप? मैं बरखा के वास्ते आया हूँ, भाई को बरखा आ जाओ तो होरा हो जाऊ। गांव में बारिश की कामना है, तो आप सब यहाँ पधारे हो। चलिए माता रानी सबकी मनोकामना शाम तक भगवान। बिल्कुल, मौसम भी हो चुका है, देखिए आप कितना प्यारा मौसम हो रहा है, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी बारिश होगी। और ये माता जी का चमत्कार आप देखिए, जहाँ पे हम खड़े हैं अभी, वहाँ एकदम छांव और एकदम बारिश का मौसम हो चुका है। और पीछे आप जहाँ भी देख पा रहे हैं, ये पीछे चारों तरफ धूप है एकदम, वो देखिए आप धूप, और ये इधर इधर एकदम छांव है, यानी कि बारिश कुछ ही क्षण में होगी और जगदम्बा जरूर मन्नतें पूरी करेगी। ये देखिए आप पीछे वो जो बांध दिख रहा, बांध के आसपास भी आपको धूप दिखेगी, पर यहाँ पे एकदम छांव, एकदम ठंडा सा मौसम हो चुका है। और ये कुंज बिहारी ठाकुर जी महाराज बैठे हैं, इसीलिए कहते हैं भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। जी बिहारी श्याम के पुजारी जी श्री सत्यनारायण जी वैष्णव पंडित जी, क्या हाल चाल आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भगवान, आनंद है। कुंज बिहारी श्याम के यहाँ से अद्भुत नजारा है काछोला का, एकदम अगर ड्रोन शूट जो लिया जाए तो सच में ऐसा लगता है जैसे आप किसी महान पैलेस के या फिर महान शहर में हो। वैसे तो काछोला महान शहर की गिनती में आता है, और अभी ये तहसील बन चुका है, पहले उप तहसील था। प्यारा सा मंदिर कुंज बिहारी श्याम का, और ये इधर पूरा जंगल जैसा है सीन यहाँ का। कभी जंगल की सफारी जब करेंगे, यहाँ आएंगे तब उसके अंदर चलेंगे, एकदम बहुत ही प्राचीन चीजें बनी हुई है यहाँ पे। बहुत पुराना मंदिर है ये, तो कुंज बिहारी श्याम का मंदिर, और वो पास में माँ जगदम्बा का मंदिर, वो बावन महारानी का, और ये कुंज बिहारी श्याम का। ऊपर से व्यू कुछ इस तरह है यहाँ का। ये देखिए आप कितना अच्छा चौकान और स्पेस है, आप बाइक मोटरसाइकिल लेके यहाँ से रास्ते से आ सकते हो, यहाँ पे आप पार्क कर सकते हो। वो हमारी सामने बुलेट खड़ी हुई है, और ये अच्छा सा स्पेस बन चुका है यहाँ पे, और ये इधर से भी आप जा सकते हो, और उधर से वो सीढ़ियों का निर्माण हो ही रहा है। ये इतनी अच्छी ग्रीनरी, एकदम हरियाली, एकदम ऊंचाई के ऊपर स्थित है ये पूरा मंदिर। मेरे बच्चे भी आज आनंद लेने के लिए आ गए हैं, आज स्कूल से छुट्टी तुम्हारी। हे शर्मा क्यों रहे हो? नहीं शर्मा रहे हो? कहाँ का है तू? रामनगर का। रामनगर का, अच्छा। और तू? रामनगर। सब रामनगर के हो, अच्छा। आज माता जी के यहाँ पे कैसे आये हो? ढोक देने कही क्यों माता जी ने? हैं? कही क्यों माता जी ने? कही जा रही बारिश आ रही। ये देखिए आप छोटे से बच्चे भी मन्नत लेके आए हैं, जरूर बारिश होगी। ये देखो आप मौसम हो चुका है, अभी थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी, है ना? और आनंद है सब। यहाँ पे सीढ़ियों का काम कुंज बिहारी के यहाँ पे कार्य प्रगति पे है, और कुछ ही दिनों में बनके तैयार हो जाएगी सीढ़ियाँ। देखिए आप इस प्रकार से बनेगी ये सीढ़ियाँ, स्लोपर दे दिया गया, वो सामने सीढ़ियाँ, मतलब यहाँ से आप एकदम जैसे जंगल के रास्ते से प्रवेश करके फिर कुंज बिहारी के दरबार में पहुंचोगे। वो सामने जो मंदिर दिख रहा है कुंज बिहारी का, आपको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से होके इधर से होके आना पड़ेगा, और ये एकदम प्यारा सा व्यू लगेगा। हमारे सब्सक्राइबर भी मिले हैं हमें। कहाँ के हो तुम सब? काछोला के? काछोला के हो? वीडियो देखते हो हमारी? बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
तो आज माता रानी के यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा और सच में आनंद आ गया। माता रानी के और कुंजी बिहारी शाम के दर्शन हो गए और माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो ताकि गांव खुशहाल हो जाए, आनंद आ जाए, मजा आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। नीचे की ओर उतर रहे हैं खतरों के खिलाड़ी। ये रोड बड़ा दुर्गम है और बहुत रिस्क रहती है यहाँ पे, पर ये ड्राइवर बड़े हैवी है हमारे। ये पहले जयपुर चित्तौड़ में चलते थे। ध्यान रखना भैया, स्लिप नहीं हो जाए गाड़ी।